हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द लॉजिक मिनट्स। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अगर देश और दुनिया भर के टॉप 5 खबरें आपको रोजाना चाहिए तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने डेली शॉर्ट्स 1 की तरफ। भाई बड़ी खबर है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देउबा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मतलब अब केपी ओली तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। केपी ओली के कमेंट्स की वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत हद तक खराब हो चुके। केपी ओली ज्यादातर चाइना सेंट्रिक थे और चाइना को सपोर्ट करते थे। अब जबकि शेर बहादुर देउबा नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम आशा करते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन पहले से काफी अच्छे हो जाएंगे। देउबा पहले भी 4 बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जैसे कि 1995 में, 2001 में, 2004 में और 2017 में। केपी ओली पिछले 8 महीने में 2 बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर चुके हैं। उनमें से पहला डिसॉल्यूशन हुआ था दिसंबर 20, 2020 में। तब केपी ओली की पार्टी और बाकी ऑपोजिशन की पार्टी में मतभेद चल रहे थे और केपी ओली ने विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की प्रेसिडेंट है, उनका रिक्वेस्ट किया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। और उस वक्त विद्या देवी भंडारी ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर दिया, लेकिन ठीक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के उस डिसॉल्यूशन को नामंजूरी दी। फिर मई 10, 2021 को जब पार्लियामेंट को वापस रीइंस्टेट किया गया, तब केपी ओली के पास इतने मेंबर्स नहीं थे कि वो मेजोरिटी फॉर्म कर सके और कोई गवर्नमेंट बना सके, इसीलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर का केयरटेकर रखा गया। केपी ओली ने वापस रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्यूशन किया जाए और फिर से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाए। इस बात पर ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पार्लियामेंट को रीइंस्टेट किया और विद्या देवी भंडारी को डायरेक्ट किया कि शेर बहादुर देउबा को नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। शॉर्ट्स 1 तो बहुत लंबा हो चुका है, अब बढ़ते हैं हम हमारे डेली शॉर्ट्स 2 की ओर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट में मिलाकर 74 लोगों की लाइटनिंग स्ट्राइक से मौत हुई है। जयपुर में एम्बर फोर्ट के वहां पे जब लोग सेल्फी ले रहे थे तब लाइटनिंग स्ट्राइक ने 11 लोगों की हत्या कर दी और 20 लोग इंजर्ड हुए। ये इंसिडेंट हुई थी शाम को अराउंड 7 बजे। साइंटिस्ट का कहना है कि हर साल लगभग 2000 लोग लाइटनिंग स्ट्राइक से मरते हैं। डेली शॉर्ट्स 2 यही पे खत्म, अब हम बढ़ते हैं हमारे डेली शॉर्ट्स 3 की ओर। अब डिस्कस करते हैं हम जायका वायरस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ कि जायका वायरस प्राइमरली मच्छरों के थ्रू फैलता है और केरला में इसके ऑलरेडी 14 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, पर पिछले 3-4 दिनों में और कई केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इससे उनका टैली हो चुका है 19। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जायका वायरस कहाँ कहाँ पे मिला गया था। सबसे पहले जायका वायरस बंदरों में उगांडा में पाया गया था, फिर उसके बाद नाइजीरिया में लोगों में पाया गया था, फिर ब्राजील में भी उसको रिपोर्ट किया गया और इंडिया में सबसे पहले जायका वायरस गुजरात में स्पॉट हुआ था। डेली शॉर्ट्स 3 खत्म, अब बढ़ते हमारे डेली शॉर्ट्स 4 की ओर। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि नीट के एग्जाम सितंबर 12 तारीख से होंगे, जो कि एक्चुअल में अगस्त 1 तारीख से होने थे, और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होगा 13 जुलाई को शाम को 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट के थ्रू। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ सिटीज सेंटर्स के लिए बढ़ा दिए गए फ्रॉम 155 टू 198। पिछले साल नेट के लिए 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और इसी तरह हमारा डेली शॉर्ट्स 4 खत्म होता है और हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी और डेली शॉर्ट्स 5 की ओर। वर्जिन गैलेक्टिक के को-फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि ऑलवेज स्पेस में जाकर आ चुके, उन्होंने कंपनी के 500 मिलियन के शेयर बेच दिए। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फिलहाल पैसों की जरूरत है। अभी तक जो भी डेटा मिला है उसके हिसाब से वर्जिन गैलेक्टिक के पास 600 कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्पेस पर जाने के लिए टिकट्स बाय कर चुकी है। उनमें से हर एक टिकट का प्राइस $2.5 लाख है। स्पेस पर जाने से पहले रिचर्ड ब्रांसन को इलॉन मस्क खुद मिलने आए थे और इलॉन मस्क ने भी वर्जिन गैलेक्टिक से स्पेस पर जाने के लिए एक टिकट खरीदी हुई है। इसी तरह हमारे सारे के सारे डेली शॉर्ट्स आज के लिए खत्म हो चुके हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हमें खुशी होगी कि हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए और डेटा प्रोवाइड करें।